बिग बॉस के घर कैप्टन से टास्क को लेकर होता है जबरदस्त घमासान। रोमिल के आदेश पर शिवाशीष जेल जाने से कर देते हैं मना, वहीं बिग बॉस घर वालों को देते हैं सजा। तो यदि आपने कल रात का ये एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कविता आपके लिए लेकर आई हूँ बिग बॉस डे के टॉप हाइलाइट्स। बिग बॉस के घर की शुरुआत तू कर ले सितम से होती है। सभी घर वाले बिग बॉस के इस अलार्म से जग जाते हैं, लेकिन श्रीशांत सोते रहते हैं और घर के नए कैप्टन रोमिल उन्हें जगाते हैं। श्रीशांत इस दौरान उन पर काफी बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि श्रीशांत को जगाने के लिए बिग बॉस को एक अलार्म भी बजाना पड़ता है। घर में रोहित टास्क के दौरान नाराज सृष्टि को मनाने की लगातार कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो उनके तकिए के नीचे एक सॉरी लेटर भी छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी जब सृष्टि नहीं मानती हैं, तो वो उनसे मिलकर बार बार उन्हें सॉरी बोलते हैं और आखिरकार सृष्टि मान ही जाती हैं। इसके बाद बारी आती है बिग बॉस के घर में काल कोठरी की सजा पाने वाले सदस्यों के नाम की, जिसके लिए रोमिल घर वालों से सलाह करते हुए नजर आते हैं। रोमिल सभी की सलाह लेते हैं। इस दौरान रोमिल पहला नाम मेघा का लेते हैं। इस पर मेघा शिकायत करती हैं कि उन्हें खुद को डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मेघा जेल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं दूसरा नाम सुरभि का आता है। सुरभि अपना नाम सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। घर पर सुरभि का हंगामा देख रोमिल शिवा से इसका नाम ले लेते हैं। रोमिल कैप्टन होने के नाते अपना फैसला बिग बॉस को सुनाते हैं और कहते हैं कि वो शिवा से इसको जेल भेज रहे हैं। वहीं रोमिल का ये फैसला सुनकर शिवाशीष जेल जाने से मना कर देते हैं। शिवाशीष के मना करने के बाद भी बिग बॉस उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन्हें कैप्टन की बात माननी चाहिए। सभी घर वाले शिवाशीष को जेल जाने के लिए समझाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शिवाशीष तो अपनी जिद में ही अड़कर कैप्टन का कहना नहीं मानते हैं और इसी बीच शिव और सोमी की बहस हो जाती है। शिवाशीष की इस हरकत से बिग बॉस इतने नाराज हो जाते हैं कि वो घर वालों पर खूब गुस्सा करते हैं, यानी कि घर वालों की अच्छे से क्लास लेते हैं। इसी के चलते वो रोमिल को छोड़कर सभी घर वालों को नॉमिनेट कर देते हैं। वहीं इस पर घर वाले शिवाशीष के इस व्यवहार के बारे में आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन शिवाशीष बेचारे श्रीशांत के सामने रोते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो घर जाना है। फिलहाल इस पर श्रीशांत उन्हें समझाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए, और आप अगर हमारी खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।